अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं यहाँ पर ऊपर हूँ। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, लेकिन हमें जाना है वहाँ नीचे। हमारी होटल भी वहाँ नीचे है। हम वहाँ गए लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं मिली, तो हमने फिर से एक राउंड लगाया और यहाँ ऊपर हमें पार्किंग मिली। तो गाड़ी पार्क करने के बाद देखा तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अम्मान सिटी का व्यू आ रहा था, तो सोचा आपके साथ भी ये व्यू शेयर करूँ। अब यहाँ से नीचे उतर के जाना तो ईजी है, लेकिन रिटर्न में थोड़ा मुश्किल होगा। और आपको बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं नीचे द रोमन थिएटर पर। तो ये है द रोमन थिएटर। गूगल में इसकी एंट्री फ़ीस 2 JD बता रहा था, यानी कि $3। लेकिन जब हम यहाँ आए तो कोई चेकिंग नहीं हुई, हम ऐसे ही अंदर घुस गए। वैसे भी हमारे पास जॉर्डन पास था, जिसके अंदर ये तमाम अट्रैक्शन इंक्लूड है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। वैसे इतने सारे लोकल्स और बच्चों को देख के ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई एंट्री फ़ीस होगी। होगी भी तो फॉरेनर्स के लिए होगी, लेकिन लोकल्स के लिए तो नहीं लग रहा है। और इनको देख के तो पक्का यकीन हो गया कि लोकल्स यहाँ पर फ्री में आते हैं। तो इस जगह के बारे में अगर बात करूँ तो इस जगह को बनाया गया था 2वीं सदी में, यानी कि लगभग इसको 2000 साल हो चुके हैं। और इस जगह का नाम था पहले रोमन फिलाडेल्फिया, बाद में जब इस्लामिक कंट्री हुई तो इसका नाम अम्मान रखा गया। अम्मी को देखो, यहाँ पर बिल्कुल रेडी है अनाउंसमेंट और स्पीच देने के लिए। जहाँ खड़े होकर स्पीच दी जाती है, वहाँ से अगर आप ऊपर देखो तो ये पूरी एक दीवार नज़र आती है। हर एक के चेहरे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर उस ज़माने में रिलीजियस और म्यूज़िकल शोज़ हुआ करते थे, और टोटल 6000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर। रोमन गॉडेस जिसका नाम था एथेना, उसका भी स्टैचू यहाँ पर मौजूद था, लेकिन उसको अभी फ़िलहाल यहाँ पर म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ यहाँ पर रोमन थिएटर के ऊपर। बच्चे लोग तो वहाँ ऊपर टॉप पे पहुँच चुके हैं, और ऊपर चढ़ना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि सीढ़ी के जो स्टेप है वो बहुत ऊंचे हैं। छोटे छोटे नहीं है बल्कि थोड़े ऊंचे हैं, इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फाइनली ऊपर पहुंच गया हूँ। यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू है। अगर आप कभी क्रिकेट देखने गए होगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। यहाँ सामने से जो साइड में 2 दरवाजे लगे हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस एंटर होते हैं। यहाँ पर बैठ के आराम से आप 1 घंटा बातें करते हुए गुजार सकते हैं, और यहाँ पर आराम से सनसेट का आप मज़ा उठा सकते हैं। हमने भी सोचा था कि यहाँ पर सनसेट बैठ के देखेंगे, लेकिन अभी नीचे से आवाज़ आ रही है वॉचमैन की कि यहाँ से चलो, 6 बजे का बंद करने का टाइम है। अगर आप जॉर्डन आओ तो यहाँ पर फैमिली के साथ में 2 से 3 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं और अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। अभी थोड़ी देर में हम नीचे उतरेंगे, और नीचे बहुत सारी खाने की चीज़ है, तो देखते हैं वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। तो रात हो गई है और मगरिब का भी टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले नीचे हमें यहाँ दिखा मक्का, ही देखते हैं इसका प्राइस क्या है। तो ये महादा या उम्मी महादा फूल उतरमुस कम दिना उपर कम दिना वन दिना फकत फकत हाल हाय बस कोई सा लोग का पर वन। ये खाला यहाँ पर उबले हुए चने बेच रही है नींबू मसाले और मिर्ची के साथ में, जो कि 1 JD का बेच रही है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग था आपके सामने रोमन थिएटर के बारे में, जो कि मौजूद है अम्मान सिटी में जॉर्डन कंट्री में। होप आपको हमेशा की तरह ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।